किसान भाइयों, मैं आज धनजू गांव में हूं और ये खेत है अनुज चौधरी। हाय अनुज, कैसा है? ताऊ जी बढ़िया, बस ठीक। तो ये कौन सा बीज है? ये ताऊ जी चिप्सोना। चिप्सोना? चिप्सोना तो कई तरह के हों, 1, 2, 3। हाँ ये चिप्सोना 2 है। एक तो गोल हो, एक लंबी चाल का हो। ये गोल वाला है। अच्छा, बाजार में भाव बढ़िया कौन से कर रहे हैं? इसका ही बढ़िया है जी भाव तो। अच्छा, तो 37-97 के मुकाबले रेट शायद महंगा रहा है इसका। इसका महंगा रहा है 100 रुपये बोरी पे, कट्टे पे रहेगा ये। लेकिन पैदावार कुछ कम होगी इसकी? पैदावार तो देखो कम है, जब तो रेट ऐसे हैं। अच्छा, तो ये कितने दिन का पकेगा? गोल वाला 37 बहुत ज़्यादा निकट जाए इससे। 37 भी अपने पास। अच्छा, 50 कट्टे का निकटेगा तो 45 का निकटेगा। अच्छा अच्छा, ये फर्क आ जाएगा। लेकिन इसका ये कितने दिन में पकता है? टाइम तो जी 110 दिन 15 दिन का बता मैं, लेकिन ये 100 दिन का हो ही आया। अच्छा, देख लो बिल्कुल हरे हैं। ये हरे हुए होंगे जो थोड़ा लेट जमते हैं। हाँ बस अब देख लो जैसे भी है। इस बार हमने अभी पत्ते कटवाए नहीं। अगर अभी ना और ना काटे 20 दिन, 120 दिन का हो जाए, कोई नुकसान थोड़ी? कोई नुकसान नहीं। इसमें स्प्रे कर दी, अब जो है ग्रोथ रुक जाएगी, मोटाई बढ़ जाएगी आलू। मतलब ये कौन सी स्प्रे थी, ऐसी दवाई? स्प्रे तो दवाई तो नहीं दी थी, दवाई वाले नहीं। क्या कह के दी थी कि इसकी लंबाई, मतलब ग्रोथ प्रमोटर? अच्छा, तो इसे मोटाई बढ़ेगी? हाँ, उससे मोटाई बढ़ जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी आलू। अब मतलब आलू बनने बंद हो जाएंगे, मोटाई बढ़ जाएगी आलू की। अच्छा अच्छा, तो अब आलू को दिखा सको जो नीचे दबे को कितना मोटा हो रहा होगा? हाँ आलू दिखा देंगे। पढ़ना जी छोटा अभी तो आलू चिप्सोन आया ना, तैयार होने में टाइम लगे। अच्छा अच्छा, बस बस ये साइज है, दबा दो इसे। अभी तो ये बन रहा है। अच्छा, ये बन रहा है, इसका मतलब तो अभी और फूल लगेगा। लान में ये जो जिसके नीचे है ये देखो बिल्कुल हरा है, ये रहे जिसके नीचे है। और 37 ही वो रखा? 37 भी है जी। यही है, दूर है? 37 भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये सारा, ये तो बहुत बड़ा खेत है, कितना होगा? ये है जी 20 बीघे जमीन मान लो। 20 बीघे? और जो इधर क्या खड़ा हो? उधर भी आलू ही है। इस साइड में वो ख्याती है। चलो उसे भी देखते हैं भाइयों। अब दूसरे बीज को दिखाते हैं, ख्याति। ये चिप्सोना था भाइयों, ये दूसरा बीज है, कौन सा बताया? ख्याति। अच्छा, इसका क्या फर्क है इसमें? ये तो अभी कच्चा है। हाँ ये तो अभी ऐसी हुआ है, 70-80 दिन का। तो ये कब पकेगा? ये और पक जाएगा, ये 100 दिन में ये भी तैयार। सबका टाइम लगभग 100 ही दिन, 110 दिन ही रहता है। अभी तो छोटा ही होगा इसमें, अभी छोटा है। तो इसका इसका क्या मतलब भाव होगा जो आपने बोया? भाव तो ताऊ जी ख्याति जैसा ही, इनका ही 37 जैसा ही भाव रहा है इनका भी। चिप्सोना ही बिका है महंगा, 100 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, चिप्सोना की मांग ज्यादा है। तो ये ख्याति पहली बार बोया, पहले बोया कभी? पहले बहुत ख्याति भी है, चिप्सोना भी है, 37 भी है, कुकराज भी बोया है सारे। तुम्हारे गांव में ये आलू बहुत बोए हैं? हाँ जी, हमारे गांव में सबसे ज्यादा आलू हम ही बोए हैं। अच्छा, एक तो आलू से एक फायदा हो रहा है, गन्ने की फसल बढ़िया हो। हाँ जी, गन्ने की फसल। अब देखो सामने गन्ना खड़ा, कितना तकड़ा खड़ा है, सब आलू हो गई। सब आलू, इधर भी आलू। ऐसे ऐसे मटर है? ये मटर है, दादा की है। अच्छा, मटर की खेती ये कैसा हो, इसमें क्या नफा नुकसान दिखाई दिया बताओ जी? अब तो जब कटेगा जब पता लगेगा ना नुकसान का। तो ये मटर बीज तो आपका महंगा ही था, आपको पता कितना महंगा था अभी। चाहिए इसमें बो रखी बेड पे? हाँ जी। अच्छा, ये कैसे बोई जाए? पहले बीज बखेर दें? पहले बीज बखेर के और फिर जो है खाद वाद घेर के अपना बेड काट दें ट्रैक्टर से। तो बेड तो वो दिखे जो दो लाइन आड़ू की जावे उसी मशीन से? हाँ, या अलग है वो बेड वाली मशीन से काट लो या तो, लेकिन इसका बेड काटने का भी अलग आवा है, मटर का अलग आवा है। तो इसमें बीज कितना पड़ा है? बस बीज के ताऊ जी मुझे सही जानकारी नहीं है कितना पड़ेगा। लेकिन घिण का बहुत दिखाई दे रहा है। हाँ बीज घिण का गिर रखा ज्यादा, दादा का है हमारे का ज्यादा गिर दिया बीज। तो इसकी ये वो कौन सी बोल लग रहा है जिसकी फली जाएगा वो है या पकाई जाएगी वो? नहीं, इसकी तो फली टूटेंगी जी। अच्छा, फली टूट के जाएगी बाजार में? फली टूटेंगी। अच्छा, खड़ा गिर देंगे। ये भी सब आलुओं की ईख है, बोर्ड है सामने। अच्छा, मटर का भी गन्ना बढ़िया रहा है? हाँ जी, लागत लगे ना अच्छी। तो ये मटर कब तक खत्म हो जा? मटर तो ताऊ जी पकने के बाद 2 दिन में टूट जाएगी, गन्ना बो देंगे फिर इसमें। तो मुझे लगा आलू और ये सब एक साथ कटेगी, आलू और मटर सब सारे में गन्ना एकदम, सब में एकदम गन्ना लग जाएगा। अच्छा, ये गेहूँ है? ये गन्ना काट के बोए हुए? हाँ जी, गन्ना काट। ये कौन सा बीज है गेहूँ का? गेहूँ का 226 होगा शायद, 226 ही है या तो ये चल रहा हमारे इधर। हाँ, 226। तो इसके बाद भी गेहूँ वो गन्ना बोओगे? नहीं नहीं ताऊ जी, गेहूँ का गन्ना नहीं बोते हम। अच्छा, या तो चारे की लाख रख लेंगे इसे। अच्छा, और मोड़ बन गया तो क्या करेला लगा देंगे कुछ। अच्छा, सब्जी वैसी? हाँ सब्जी।
जैसे सीजन में क्या करेला बोया तुम लोगों ने और गांव में बोया तो कैसा रहा सीजन आपका? अब कहता हूँ जी सीजन पिटा है, पिटा है इसकी कोरोना की वजह से। अच्छा, दिक्कत आई है, लेकिन यो घिया करेले की एक फसल ऐसी है, ये घिया 10 रुपए को बिक जाओ किसान। अच्छा, को औसत आ जाओ। अच्छा अच्छा, और करेला? करेला भी इतना 10-15-10-12 रुपए को उतर जाओ और खेत में फसल हो हमारे। और आलू क्या भाव बिक जा? आलू से जब घाटा आलू का थल्ला जैसा आपका आलू भी कहा चलो आपका तो भैया तकड़ी मार हुई आलू का, पर 1000 रुपए कट्टे से पहले वो सतना आलू। सही सही कह रहे, खर्चा बहुत है। हम तो यूँ कह रहे हैं किसान का 1000 रुपए को ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपका 1200-1500 को देख दो। बिल्कुल, ये कह रहे हैं भाई 1700-1800। 1000 रुपए कुंटल या 1000 रुपए कट्टा? 1000 रुपए कट्टा, 58 किलो की पैकिंग है, मतलब 20 रुपए किलो। हाँ, तो सही है इतना तो कहाँ महंगा कहाँ रेट है, बिकना बिकना चाहिए, इससे कम तो कम है। नहीं हम तो ये कह रहे हैं जैसे आपका 1700-1800 रुपए कट्टा भी बिका ऐसे तो मार आयो, ये तो अंधा भेड़ की चाल है, मतलब वैसे अगर लूट है इस पे एक रेट फिक्स हो जा के इससे ऊपर नहीं बेच सकते। 1000 रुपए में किसान को नुकसान नहीं है, किसी किसान को नुकसान नहीं, ना खाने वाले को नुकसान। जैसे गन्ने पे रेट 325 का, 1000 का फिक्स हो जाए, फिक्स होना चाहिए, खाने वाले को नुकसान नहीं, बेचने वाले। मान लिया 50 रुपए किलो बिक गया, एक साल बिक गया 5 रुपए किलो, वो नुकसान है। अभी देखो हमारे यहाँ से तो ले जाने 10 रुपए किलो को सब्जी वाले, जा जाके बेच रहे 20 रुपए को, तो नुकसान तो डबल फायदा भी कर रहे हैं, डबल फायदा भी कर रहे हैं, नुकसान बेचने वाले को भी यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ अपना थोड़ा चारे गिला के हरा चारा, ये कौन से मिल की मैली है? ये इसके दुराला सुगरवर की मैली है, कंपोस्ट खाद है। अच्छा, जो वहाँ चिरोड़ी में है वो है? हाँ जी हाँ, वही बना के दे रहे हैं। और इधर गोबर तुम्हारे? ये गोबर तार रखा सारे वहीं, इसके ऊपर तार दिला के। अब कैसे करोगे फिर इसे? जब भरेंगे कसले से भरी जाएगी तो कट कट का दोनों चीज भर हो जाएगी, मिक्स मिक्स कर देंगे अलग अलग। अच्छा, जब डलेगी खेतों में? जब डलेगी खेतों में, अभी लाकर तैयार कर रहे हैं गोबर की। बहुत बढ़िया भाइयों, ये तीवरसी पेड़ी छोड़ी गई है, देखो पोगे हैं कितने बढ़िया खड़े हैं। ये पिछले साल बोर्ड थी, आपके पेड़ी कट रही है, अरे तीवरसी छोड़ दी गई। अच्छा, तीवरसी थारे यहाँ बढ़िया हो जाओ? हाँ जी, तो जी बढ़िया निकलेगी ये भी तीवरसी, अब कम ना कटती है, 65-70 का एवरेज आया जी 5-20 में। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाइयों। ये है पत्ता गोभी, बंद गोभी बोल रहे हैं इसे, तो ये ले उसे बोया होगा लेजर से कैसे? ये तो जी बीज चुभवा दें ऐसे, उस पर करवा के वो निकलवा के बैड या गोली काट के बीज चौंकते हैं, नफरियों से चौंकते हैं, लेकिन ज्यादा घिनका चौंक दिया है, घिनका लग रहा है। ये हमारे गांव में ही बोया है ना, घिनका ज्यादा घिनका। अच्छा, ये पेड़ कैसा खराब हो गया है? नहीं जी, ये बाजार खा गए, ये जो फूट सी रहा है। हाँ, ये बाजार खा गए। अच्छा, इसका वो खा गया ऊपर से? हाँ जी, ये नहीं खाया, ये स्वस्थ है। तारों से बाहर आ गया ना पेड़ ये। अच्छा, ये तार बंदी से बाहर आ गया, ये पहचान है इनके। हाँ जी हाँ, घिनका हो गया ज्यादा है ना, देखो पत्ते गल रहे हैं ना दूसरे। तो ये महंगा बिकता है वो फूल गोभी? अच्छा बिकता है। बस ताऊ जी रेट रेट की बात है, ये गोभी ना ऐसा मजा उठाया लोगों का आपके, जब शुरू में चली है ना 700-800 रुपए कट्टा, 900 रुपए कट्टा, और अब नहीं बोझ रहा कोई 50 रुपए कट्टा को भी। अच्छा, इतना रेट डाउन हो गया? हाँ, इतना हो गया जब शुरू में चली थी, जब 900 रुपए कट्टा। चलो किसान मर जाएगा थोड़ा, ऐसे ही तो हो रहा जी किसान के साथ, रेट फिक्स नहीं है, या तो मचेगी एकदम मार या रह जाएगा नीचे। एक फिक्स रेट हो जाए ना, क्या भाई 500 रुपए को बिकेगा कट्टे में। हाँ, रेट फिक्स होना चाहिए, रेट हर चीज का फिक्स होना चाहिए, फसल बोने से पहले पता लग जाए। जैसे मांग कर रहा किसान आंदोलन में MSP लागू हो तो उसमें रेट फिक्स हो जाएगा, रेट फिक्स हो जाएगा, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब फसल बोने से पहले किसान को ये पता लग जाएगा भाई तेरी इस भाव बिकेगी, बिल्कुल, तो लागत भी उस हिसाब से लगाएगा। अब जब रेट ज्यादा महंगा हो तो किसान उसकी तरफ भागे फसल की, फसल वही तरह डाउन हो जाए। बताओ जी, मैं तुम्हें एक छोटा सा हिसाब बता रहा हूँ, 7-8 बीघे खेत था, उसमें से पेड्डी काटी जी, पेड्डी काटने के बाद फुकवा के मुड्डा फुकवा के रूटर चलवाने के बाद उसमें जो है 2 बार रूटर हो गया, फिर उसके बाद 4 बार हैरो चलाई उसमें। अच्छा, 4 बार हैरो चलाने के बाद 2 बार तोता हल चलाया। अच्छा, 2 बार तोता हल चलाने के बाद कंप्यूटर मांझा वाला बुलाया, कहा भाई अब इसमें तू जो है मांझा चला दे। उनने कहा भैया डले हो रहे हैं रूटर चलवाओ। अच्छा, फिर 2 बार रूटर चलवाया, फिर उनने कहा आके दोबारे भैया इसमें टीलर चलवाओ। अच्छा, गिल्ला निकला, फिर उसमें टीलर चलाया, उसमें यूं मानो तुम 100 लीटर तेल फूक गया, बिल्कुल फूक गया, वो लागत लग गई। अब उसमें कूड़ी का खाद और मैली ला ला के घेर रहे हैं, फिर उसमें कदी ईंक बोवेगी खाद और यूरिया डल के। अब तुम लगा लो किसान का शुरू से और आखिर तक कहाँ खर्चा जा रहा है, बल लगा रहा है, वो तो 1.5 साल में आएगा पैसा, वो 1.5 साल में आएगा पैसा, जब बॉर्डर पेड़ी दोनों कट जाएंगी, कट जाएगी। तो बताओ जी किसान को कहाँ लागत कहीं नहीं आ रही, कुछ नहीं बचा, मतलब रेट फिक्स होना चाहिए, बात रेट फिक्स हो जाओ एक बार। हाँ, ज्यादा ना हो, एक मीडियम सा हो जाओ, एक मीडियम रेट हो जाओ। जैसा आड़ू का है 20 रुपए किलो,
आलू का सब्जी का अगर 20 रुपए किलो भी हो जाए किसान मरेगा नहीं, किसान मरेगा नहीं। अब या तो बिकेगी 2 रुपए किलो, 15 रुपए को भी हो जाओ किसान की 15 रुपए खरीदो वे, किसान जितनी मरने का। हाँ जब किसान की 2 रुपए को बिक रही है तो किसान कहाँ लेके जाएगा, करेला आपका 1-1 रुपए को बिका है। बिल्कुल 1 रुपए किलो में क्या औसत आ रहा, और जबकि बाजार में 20 रुपए से कम नहीं मिला, बाजार में 20 रुपए किसी भाई ने 20 रुपए से कम करेला नहीं खरीदा होगा आपका, और उल्टा 50-50 को बेका। नुगे जी कोरोना काल है, कहाँ से लावा सब्जी बताओ। तो भाइयों इन भाई ने देखो लड़का थोड़ी उम्र का है अनुज, लेकिन तजुर्बा है, किसान का बेटा है, पूरी बात इन्हें बड़ी काम की बताई। ये MSP का जो राड है ये वाकई सही बात है, इस पर रेट फिक्स होना चाहिए। अब ये ताऊ जी मटर तैयार होगी इसमें, बिल्कुल ये खेत इसलिए लाए हम तुम्हें, ये मटर तैयार होगी। हाँ अब इसमें मटर में जब बन जाएगी तो ये तोड़ हो जाएगी इसकी, अब इसकी घास निकलवा रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आई होगी, नमस्कार।